क्या आप भी अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने बॉयफ्रेंड से रात में चैटिंग करते हो, वीडियो कॉल करते हो? अब क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो तो नहीं पूछूंगा, लेकिन जो भी करते हो ना, ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको कुछ चीज़ें करने के लिए कहूँगा और कुछ चीज़ें नहीं करने के लिए कहूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहले बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, और जो मेरे भाई लोग सोच रहे हैं कि यार बंदी नहीं पटी भाई, क्या गर्लफ्रेंड से बात करें, तो कोई दिक्कत नहीं यार, बन जाएगी। कुछ टिप्स मैंने बताए हैं और भी ऐसे ऐसे टिप्स लाने वाला हूँ भाई, मज़ा आ जाएगा तुम्हें और गर्लफ्रेंड तुम्हारी बन ही जाएगी। फिलहाल नॉलेज रखो यार, नॉलेज कब काम आ जाए कुछ भी पता नहीं होता। तो चलो बताते हैं सबसे पहले कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, सेकंड हाफ में बताएंगे कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो कि आपको करनी चाहिए तो वो है वियर योर ईयरफोन्स एंड अ नाइस टी शर्ट। आपको हमेशा अपने ईयरफोन्स को पहनना ही पहनना चाहिए भैया। ईयरफोन लगा लो, लीड लगा लो, हेडफोन लगा लो, जो कहना है वो कह लो, बट लगा लो। कुछ लोगों की आदत होती है फोन उठाया भैया लाउड स्पीकर भी चल रहा है मामला, यार कुछ पता नहीं ना सामने वाला क्या कह दे क्या नहीं कह दे। प्राइवेसी नाम की भी एक चीज़ होती है ना यार, मतलब आसपास के लोगों को सुनाना थोड़ी है। अब एक और चीज़ समझ लो कि अगर ईयरफोन लगाने के लिए कह रहा हूँ तो बाहर हो तो ऑब्वियसली आपको लगाना ही लगाना है, और घर में कोई नहीं है तो आप उसके बिना काम चला सकते हो। लेकिन एक टी शर्ट अच्छी पहनना ज़रूरी है। टी शर्ट से मेरा मतलब है अपर हाफ, जो आपका ऊपर चेस्ट वाला एरिया है ना, टी शर्ट पहन लो, एक अच्छी सी स्वेट शर्ट पहन लो, एक शर्ट पहन लो, नीचे कुछ भी पहना हो, नंगे भी हो, चड्डी पहनी हुई है, उससे मतलब नहीं है भैया। ऊपर का मामला अच्छा होना चाहिए, वही दिखता है ना, तो अच्छा ठीक ठाक दिखना चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ समझो कि जो आपका हेयर स्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए। कुछ लोगों की हरकत होती है भैया हेयर स्टाइल कहीं पर भी जा रहा है और वहाँ वीडियो कॉल पर सेट कर रहे होते हैं, मिरर बना के है ना, वहाँ देख रहे होते हैं सेल्फी वाले कैमरे में और उसको सेट कर रहे होते हैं, भैया डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, पहले ही सेट कर लो ना। और इतने तो खास कुछ खास हमारे बाल हो भी नहीं जाने वहाँ पे सेट कर करके, है ना, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। एक बार थोड़ा बहुत ठीक कर लो, लगा के ऑयल वगैरह या पानी वगैरह से सेट कर लो, हम तो ऐसे ही करते हैं, तो कर लिया करो भाई, ठीक ठाक लगता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो कि आपको करनी चाहिए वो है प्रॉपर लाइटिंग। आपको पता होगा, अगर कोई आप में से यूज़ करता था टिकटॉक तो आपको पता होगा कि एक लाइटिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है जब हम वीडियो बनाते हैं या फोटो लेते हैं। तो जैसे हमारा फोकस काम करता है ना, जिसको कहना चाहिए फोकस नहीं होता, वो फ्लैश लाइट होती है ना, वैसे ही हमारा एक लाइटिंग होती है। तो फ्लैश लाइट क्या होती है, एक ही बार में बूम करके आती है फ्लैश, तो उससे इतना काम बनता नहीं है। एक लाइटिंग अच्छी खासी आनी चाहिए। जो लोग यूट्यूबर्स हैं उनको अच्छे से पता होगा लाइटिंग कितनी खतरनाक चीज़ होती है। तुम कितने ही घटिया दिखते हो, तुम्हारे फेस कितना ही घटिया हो, एक लाइटिंग के साथ ब्यूटी इफेक्ट आ जाता है ना, तुम भाई बिल्कुल मॉडल बन जाते हो, टिकटॉकर बन जाते हो, एक अच्छे यूट्यूबर बन जाते हो, जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। सीक्रेट यही होता है लोगों का। तो आपकी लाइटिंग अच्छी आनी चाहिए। अब भाई लाइटिंग भी अच्छी आ गई तो कहाँ पर फेस रखें? तो कुछ लोगों की हरकत क्या होती है कि जहाँ पर लाइटिंग होती है वहीं पर फेस कर लेते हैं। नहीं भैया, उसके अपोजिट रखना है, क्योंकि लाइटिंग तुम्हारे फेस पे आनी चाहिए, ठीक है, वो कैमरे की तरफ नहीं जानी चाहिए। तुम्हारे फेस पे चमकेगा ना, तुम्हारा फेस बढ़िया बढ़िया दिखेगा ना, एकदम बढ़िया दिखोगे, मक्खन दिखोगे, वो चीज़ हमें लगानी है। तो अपोजिट खड़े हो जाओ, जहाँ से भी लाइट आ रही है वहाँ पर रख दो अपना कैमरा, जहाँ पर लाइट है उस डायरेक्शन में, और उसके बाद भैया वीडियो कॉल पर बात करो, एकदम चिकने सुंदर स्मार्ट ज़रूर लगोगे। थर्ड चीज़ जो कि आपको करनी चाहिए तो वह है प्रॉपर एंगल एंड अवॉइड नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। एक तो आपका जो कैमरा है ना, उसका एंगल अच्छा होना चाहिए, पोजीशनिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर पोजीशन ही अच्छे से नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। पोजीशन कितना ज़्यादा मैटर करता है आई होप आपको पता होगा। फिलहाल हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की आदत होती है कहीं पर भी रख देते हैं कैमरा, कई बार उनका फेस भी नहीं दिख रहा होता, कहीं पर भी जा रहा होता है, जो अंकल अंटीज नहीं होते, हमारे मम्मी पापा नहीं होते, जो जिनको मतलब ही नहीं है क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, बस ऐम ही चल रहा है, नीचे कैमरा दिखा हुआ है, उनको सेल्फी भी नहीं पता कहाँ लेनी है कैसी नहीं लेनी, वही तुम करो यार। तुम्हें 10 साल हो गए फोन चलाते हो, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती मेरे भाई। अच्छे से उसको रख लो, और पोजीशन कैसी होनी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ऊपर की तरफ रखोगे तुम्हारा फेस जो है थोड़ा स्लिम लगेगा, मोटू मोटू सा नहीं लगना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। तो पोजीशन का ही खेल होता है, अच्छे से रखोगे तो मजा आ जाएगा। और फोन अपना खोल के देख लो भाई, एक तो नीचे रख लेना, क्लोज रख लेना, और फिर दूर अच्छे से ऊपर करके देख लेना, फेस में कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा तुम्हें खुद ही दिख जाएगा। और एक और चीज कि हमेशा जो डिस्टर्बेंस होती है ना उसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आसपास मम्मी पापा चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं और उसके बाद तुम वीडियो बना रहे हो, भाई कोई फायदा नहीं है ना उस चीज़ का। आई मीन वीडियो कॉल करो, कोई फायदा नहीं है ना, वो भी सुन रहे हैं, और तुम्हें अपने बंदे या बंदी को सुनाना थोड़ी है, खुद की बातें सुनानी है ना, तो हमेशा थोड़ा देख लो। और यही एक रीज़न था कि मैंने ईयरफोन्स पहनने के लिए गए थे। उससे क्या होता है कि जो थोड़ी नॉइस कैंसिलेशन होती है वो हो जाती है, अगर ईयरफोन्स आपके पास ठीक ठाक हैं तो, और नहीं है तो भी जो माइक होता है ईयरफोन का
वो कम ही नॉइस को लेता है। फोर चीजों की आपको हमेशा करनी चाहिए तो वो है आई कॉन्टेक्ट। कुछ लोग कहेंगे कि भैया कहाँ आई कॉन्टेक्ट यार, वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ, लाइव थोड़ी बात कर रहा हूँ, आई कॉन्टेक्ट कहाँ से लाया, कुछ भी बोलेगा यार पे तू। तो मेरे भाई आई कॉन्टेक्ट होता है। आई कॉन्टेक्ट कैसे होता है तो भैया आपको लेंस में देखना होता है। कुछ लोगों की आदत होती है जब वीडियो कॉल पर बात करते हैं ना तो सामने वाले के फेस पर देख रहे होते हैं, आई मीन अपने स्क्रीन पर देख रहे होते हैं ना, स्क्रीन पर नहीं देखना है, अपने लेंस पर देखना है। लेंस पर देखोगे तभी एज एफ ये इफेक्ट जाएगा कि तुम उसकी आंखों में देख रहे हो, है ना। उसकी आंखों में देखने का मतलब है अपने फोन का जो कैमरा है ना उस पे देखो, लेंस पे देखो, स्क्रीन पे नहीं देखना है। अब एक और चीज आ जाती है कि भैया अगर लेंस पे ही देखोगे तो मजा नहीं आएगा, वो ना कनेक्टिविटी फील नहीं होती है ना, वन टू वन कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है। तो 50-50 कर लो, जब तुम बोल रहे हो तो लेंस पे देखो, सो दैट कि जब वो देखे आपको तो उसको लगे कि आप उसकी आंखों में देखकर बात करो, और जब वो बोल रहा हो और आपको सुनना हो तो अपने स्क्रीन पे देखकर बात करो ताकि आप उसके फेस को देख सको, है ना। और बार बार अपने आप को ना सुधारना थोड़ा कम कर दो कि अपने आप को थोड़ा यू नो कभी अपने बाल को छेड़ रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी वो करो, कभी फेस पे टच कर रहे हो, तो ये चीजें मत करो। जो करना है पहले ही करो भाई, उसके दौरान मत करो ये चीजें। और एट लास्ट फिफ्थ पॉइंट है जो कि आपको करना चाहिए, और वो ये कि भैया आपका नेट कनेक्शन अच्छा खासा होना चाहिए। तो अगर वाईफाई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कहीं पे भी चले जाओ, और वाईफाई नहीं है तो नेट थोड़ा अच्छा खासा होना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि मैं ये नहीं सुनाना है ना बच्चों की तरह भाई, तो अच्छा सा एक नेट कनेक्शन रख लो। और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं यार, दूसरे फोन में नेट ऑन कर लो, हॉटस्पॉट ऑन कर लो, कहीं अच्छे से जगह पर रख दो, फिर वीडियो कॉल पे बात करो, मजा आता है। मैं ये चीज़ फेस कर चुका हूँ भाई, पहले जब बात करता था ना 4-5 साल पहले व्हाट्सएप कॉलिंग पे, ये हरकतें होती थी, मज़ा नहीं आता है ना, फिर बात करने का मज़ा ही नहीं आता। तो एक अच्छा खासा नेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। अब जो लौंडे लौंडिया भैया करते हैं वो वाली बातें, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए वो ध्यान से सुन लो। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, और वो ये कि भाई ना तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, ना तो आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। सामने वाला क्या दिखा रहा है, क्या देख रहा है, जो कर रहे हो वो कर लो भाई, मैं क्या ही बोलूं तुमको, लेकिन कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक तो सामने वाले ने आप पे ट्रस्ट किया, कुछ लोगों की हरकतें होती हैं वो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। जहां तक ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात है वो आप कर सकते हो, एज अ प्रूफ रख सकते हो, रखना चाहिए नहीं चाहिए वो आपके ऊपर है, रख सकते हो, यू माइट यू मे, बट देन भाई आपको वीडियो कॉल का रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहिए। क्योंकि किसके हाथ लग जाए किसके हाथ ना लगे हमें नहीं पता ना भैया, कहां पर चली जाए कहां पर ना जाए, कल को फोन खो जाए ना खो जाए, जो भी अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी यार प्राइवेसी को लीक नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है वो आप देख सकते हो। दूसरी हरकत जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, और वो ये कि कभी अपने फेस को ना तो दिखाना चाहिए, और सामने वाला अगर दिखा रहा है तो उसको मना, तो तुम क्या ही करोगे, अपना ध्यान रख लो कि अपने फेस को ना दिखाओ, बाकी जो दिखाना है वो दिखाओ, ठीक है। फेस को दिखाओगे तो सामने वाला स्क्रीनशॉट ले सकता है ना, तो जो आपको नहीं करना चाहिए वो सामने वाला कर सकता है, वो थोड़ी वीडियो देख रहा है हमारी, तो आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलना है और अपने फेस को नहीं दिखाना। थर्ड पॉइंट जो कि मैं सीधे कहूंगा, प्रेफर नॉट डूइंग दिस एट ऑल ऑन वीडियो कॉल्स, ठीक है। वीडियो कॉल पे आपको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, इतनी हवस है, इतना ज्यादा अगर तुम गर्म फील कर रहे हो तो भैया जाओ ओयो बुक कर लो, कहीं पे भी जाओ कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो कॉल पे करने का कोई मतलब नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग। बात कर सकते हो, बात में कोई दिक्कत नहीं होती, बात चलता है, लेकिन ये दिखने दिखाने वाला काम नहीं होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है। आपको नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि लग सकते हैं तुम्हारे, एल मैंने बहुतों के एल लगते हुए देखे हैं, लग जाते हैं फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाते, तुम्हारे फिर कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो गया है ना, तो बहुत बार मैंने ये चीज़ें देखी हैं। तो प्रेफर करो कि आप ये हरकतें ना ही करो वीडियो कॉल्स पे, तो अच्छा है, कर रहे हो तो आपकी हवस को तो सलाम है भाई, कौन ही रोक सकता है। और एट लास्ट, अगर तुम भैया हो बहुत ज़्यादा प्रो और तुम्हें लगता है कि मैं तो तेरी बात सुनूंगा ही नहीं, तो कुछ भी भौंकता रहे, और आपने भैया स्क्रीनशॉट भी ले लिया, वीडियो कॉल्स भी ले लिया, रिकॉर्डिंग भी करते हो, अपने फेस को भी दिखाते हो, बाकी सब कुछ देखते हो दिखलाते हो, तो मेरे भाई वो चीज़ें कभी किसी को दिखाओ नहीं। अगर आप दिखा रहे हो दूसरों को तो फिर मैं क्या बोलूँ आपको, मैं कुछ नहीं बोल सकता यार। तो ये चीज़ एटलीस्ट मान लेना कि अगर तुम ये रिकॉर्ड कर भी रहे हो अपने यू नो लास्ट के यू नो जब आप गियर चेंज करते हो, तो उसके लिए हो सकता है हमेशा थोड़ी अवेलेबल रहेगा या रहेगी जो भी चीज़ें हैं, बट वो किसी को दिखाओ मत यार। और अगर एक बार कर लिया है, तुम्हारा सिस्टम हो चुका है हैंग, तो उसके बाद कर दो उसको डिलीट, नहीं तो लग जाएंगे तुम्हारे यार, बता रहा हूँ मैं भाई, बता रहा हूँ मैं, देख चुका हूँ ये चीज़, एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ, ऑब्जर्व भी कर चुका हूँ, मत करना ये रिकॉर्डिंग मत करना, और कर रहे हो तो दिखाना मत एटलीस्ट यार किसी को। अब फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, ऐसी मत टहल लेना भाई, ऐसे निकल जाते हो, हम तो ऐसी बेवकूफ़ हैं, हम फुद्दू हैं यहाँ पे बोल रहे हैं यार, ऐसे थोड़ी होता है। वीडियो को कर दो लाइक यार, लाइक करने में तुम्हारा कुछ नहीं जाता, हमें
हमें हमारा बहुत कुछ बन जाता है, वीडियो को थोड़ी सपोर्ट मिल जाता है भाई, थोड़ी इधर उधर चली जाती है, व्यूज़ बढ़ जाते हैं, समझ रहे मेरी बात? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और कर दो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, यू नेवर नो कि कब आपके टॉपिक पर वो वीडियो बन जाए।